मुझे गर्मा गर्म खाना बहुत पसंद है। उस वेटर ने मुझे कच्चा खाना दे दिया, क्यों ना आज कुछ मसालेदार खाया जाए। गाइस देखा आपने, हिंदी में तो हम बोल लेते हैं खट्टा मीठा, मीठा कड़वा। आज इंग्लिश में फूड के टेस्ट को स्टडी करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू हिंकोज। आई एम वंदना एंड इन दिस वीडियो लेसन we will learn how to describe your food taste in English. Yes, this is going to be a very interesting lesson. Let's begin. Bitter. Bitter का मतलब होता है that has a strong, sharp taste. हिंदी में इसका अर्थ है कड़वा. For example, I don't like bitter gourd. It is bitter in taste. मुझे bitter gourd नहीं पसंद. Bitter gourd होता है करेला. मुझे करेला नहीं पसंद। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। उसका स्वाद कड़वा है। जूसी। जूसी का मतलब होता है दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ जूस इन इट। जिसमें बहुत ही ज़्यादा जूस होता है, मतलब रसीला पदार्थ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक जूसी फ्रूट्स। मुझे रसीले फल पसंद हैं। चॉकलेटी। चॉकलेटी का मतलब होता है दैट टेस्ट लाइक अ चॉकलेट, जो चॉकलेट की तरह टेस्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू लाइक चॉकलेटी फूड। मैं जानती हूँ कि तुम्हें चॉकलेटी फूड पसंद है, चॉकलेटी खाना पसंद है। स्वीट एंड सॉर। स्वीट एंड सॉर का मतलब होता है फूड दैट टेस्ट स्वीट एज वेल एज सॉर, जो मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस सूप इज स्वीट एंड सॉर। ये वाला जो सूप है वो मीठा भी है और खट्टा भी है। स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब होता है दैट कंटेन्स स्पाइसेस, जिसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, मसालेदार इसको हिंदी में कहते हैं। हमें जनरली जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले हो वो फूड पसंद आता है ना, तो स्पाइसी मसालेदार। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट स्पाइसी फूड। मुझे मसालेदार खाना खाना बहुत पसंद है। आई लाइक टू ईट स्पाइसी फूड। बेक्ड। बेक्ड का मतलब है कुक्ड बाई ड्राई हीट इन अवन। इसका मतलब होता है पका हुआ। पका हुआ जो खाना होता है ना, पका हुआ भोजन जिसे हम कहते हैं बेक्ड। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस फूड बेक्ड। क्या ये खाना पका हुआ है। रॉ। रॉ का मतलब होता है नॉट कुक्ड प्रॉपरली। हिंदी में इसका अर्थ है कच्चा। कई बार हम कुछ खाना खा रहे होते हैं, सपोज दाल खा रहे हैं, मतलब ऐसे लगता है कि दाल पकी ही नहीं हुई, कच्ची है बिल्कुल। जो कच्चा भोजन होता है उसको हम कहते हैं रॉ फूड। फॉर एग्जाम्पल, द वेटर सर्व्ड मी रॉ फूड। वेटर ने मुझे कच्चा खाना परोस दिया, कच्चा खाना दे दिया खाने को। स्पॉन्जी। स्पॉन्जी का मतलब होता है सॉफ्ट, जो मतलब मुंह में ही घुल जाए। आपने स्पॉन्ज देखा है ना, कितना सॉफ्ट होता है, वैसे ही स्पॉन्जी फूड होता है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, मुंह में एकदम घुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस केक वॉज रियली स्पॉन्जी। ये जो केक था ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। This cake was really spongy, बहुत ही ज़्यादा soft था, एकदम मुँह में खुल गया। Mild, mild का मतलब होता है that does not have a strong taste, जिसका strong taste नहीं होता, हल्का सा taste होता है, light flavor जिसे आप कह सकते हैं। For example, you can drink this, it is mild in taste, आप इसे पी सकते हो, इसका taste mild है, मतलब हल्का है, light taste है ये। स्टेल। स्टेल का मतलब होता है नॉट फ्रेश। सपोज मैंने अभी खाना बनाया और अभी हमने खा लिया, वो क्या हुआ, फ्रेश। बासी होता है कुछ दिनों का खाना पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कल रात मैंने कुछ बनाया और मैंने नहीं खा पाई या मैंने छोड़ दिया और मैं उसको आज खा लेती हूँ, तो वो बासी हो जाएगा क्योंकि वो कल का बना हुआ है। अगर वही खाना परसों का बना हुआ है या उससे पहले का बना हुआ है तो वो बासी भोजन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेल। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गिव मी अ स्टेल ब्रेड। मुझे बासी ब्रेड मत दो। एक बार क्या हुआ, मैं एक शॉप पे ब्रेड लेने के लिए गई, तो जब मैं ब्रेड लेने के लिए गई उसने मुझे बहुत ही पुराना ब्रेड उठा के दे दिया जो कि बिल्कुल बासी था। तो मैंने उसको बोला डोंट गिव मी स्टेल ब्रेड, मुझे बासी ब्रेड मत दो। पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है वेरी हॉट, स्टीमिंग, गर्मा गर्म भोजन, बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन होता है ना, उसको हम कहते हैं पाइपिंग हॉट। फॉर एग्जाम्पल, दिस फूड इज पाइपिंग हॉट। ये वाला खाना बहुत ही गर्म है, गर्मा गर्म खाना है ये। एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग का मतलब होता है टेस्टी, डिलीशियस। हिंदी में इसका अर्थ है स्वादिष्ट। फॉर एग्जाम्पल, द मील वॉज एपिटाइजिंग। जो भोजन था वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। द मील वॉज एपिटाइजिंग।
ग्रीसी, ग्रीसी का मतलब होता है ऑयली फूड या फिर कवर्ड विद ऑयल, जो तेल से सना हुआ होता है, बिल्कुल तेल ही तेल होता है जिस खाने में. फॉर एग्जाम्पल, डोंट ईट दीज ग्रीसी चिली पोटैटोज, इन तेल से सने हुए चिली पोटैटो को मत खाओ. न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है हेल्दी एंड होलसम, इसका मतलब जिसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड, हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है. सो गाइज, अब जब कभी भी खाने के टेस्ट को इंग्लिश में बोलना है तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंदी कोच. थैंक यू.